नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की पुलिस अब किसी को छोड़ने नहीं जा रही है। कारण यह है कि बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने साफ साफ कह दिया है कि अपराधियों को दौड़ाइए, नहीं तो हम आपको दौड़ाने लगेंगे। और इसकी वानगी अब लगातार बिहार में दिखने लगी है। दरअसल जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भोजपुर से है, और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना कितना भारी पड़ गया है वो हम आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि इस जिंदाबाद के नारे के बाद डीजीपी के एसपी ने किस तरह से भीतर ठेल दिया है। तो खबर जानिए, खबर यह है कि भोजपुर जिले से जो मामला सामने आया है, कुछ युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये जो मामला है चांदी गांव का बताया जा रहा है। भोजपुर एसपी ने देश विरोधी नारे लगाने वाले युवाओं की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही 5 युवकों को गिरफ्तार कर भीतर भेजा गया है। तो समझिए, ये वीडियो बैडमिंटन मैच के दौरान का बताया गया। जब ये वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, तो ये बताया गया कि बैडमिंटन मैच हो रहा था, और ये मैच जीतने के बाद जो है जुलूस की शक्ल में युवक आगे बढ़ रहे थे, और कुछ युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो डीजीपी आरएस भट्टी बार बार ये कहते नजर आ रहे थे, जिस प्रकार उन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया था, साफ संदेश दे दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा बिहार में। चाहे वो देश विरोधी गतिविधि हो या राज्य विरोधी गतिविधि हो, फिर अपराध से जुड़ा कोई भी मामला क्यों ना हो, हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। यदि आप अपराधी को छोड़ते हैं तो हम पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब पुलिस अपराधियों को छोड़ने के किसी भी मूड में नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, सुबह सुबह ही हमने आपको एक खबर बताई थी जो कि रोहतास जिले से थी। वहां एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनकर अपराधी, या यूं कहें कि शराब के जो तस्कर हैं, वो नदी में कूद जाते हैं इस खौफ में कि अब डीजीपी की पुलिस आ रही है, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। इससे बढ़िया है जान बचा लो। जान बचाने की फिराक में जरूर थे ये लोग, लेकिन उनकी जान गंवानी पड़ी, उनकी जान चली गई। लेकिन अब ये मामला जो है भोजपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले युवकों को वहां के एसपी ने भीतर का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और ऐसे में और भी युवकों की तलाश की जा रही है। तो बिहार में जरा संभल के रहना होगा, क्योंकि कोई भी असामाजिक प्रतिक्रिया या फिर असामाजिक गतिविधि आपको खतरे में डाल सकती है, आपको पुलिस के शिकंजे में डाल सकती है। कारण यह है कि बिहार में अब नए तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संचालित किया जा रहा है। बिहार वही है, बिहार के डीजीपी बदले हैं, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था में कितना बदलाव हो रहा है ये अब 3-4 दिनों के अंदर ही दिखने लगा है। आरएस भट्टी के आने का जो प्रभाव है वो पूरे बिहार में दिखने लगा है। और किस प्रकार अपराधी, छोड़िए ना, जितने भी छोटे मोटे अपराधी हैं, पॉकेटमार किस्म के भी जो लोग हैं, वो भी भागते नजर आ रहे हैं कि हमें कहीं पुलिस ना देख ले। क्योंकि पुलिस पहले वाली नहीं है, वर्दी वही है, पुलिस के लोग वही हैं, लेकिन नियम कानून इतना टाइट हो गया है कि अब वो पुलिस उस मूड में नहीं दिखेगी। जब आप देखे जाएंगे गलत काम करते हुए तो धर के भीतर ठेल देगी। और यही हुआ है भोजपुर में। भोजपुर में युवक नारा लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे भी ये नारा तो देश में हमारे चलता है नहीं, क्योंकि देश विरोधी गतिविधि के अंदर इसको गिना जाता है। और एक देश में रहते हुए दूसरे देश का नारा लगाना ये तो खैर अलग बात हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब बात आती है तो देश विरोधी नारा जो है पाकिस्तान का लगाए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई युवकों के वीडियो आपने सोशल मीडिया पर तैरते हुए देखे होंगे, कई जगहों से वीडियो वायरल भी होता है। और ऐसे में अब बैडमिंटन मैच के बाद जो जुलूस निकाला गया उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद कहना एसपी को नागवार गुजरा, और गुजरना भी चाहिए, क्योंकि डीजीपी भट्टी ने साफ कह दिया है कि जो भी इस तरह का काम करता हुआ नजर आए, जो भी देश विरोधी राज्य विरोधी काम करे, उसको भीतर ठेलिए। और भोजपुर में पुलिस ने वही किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।